What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स वीक इन दिस 100 डेज कॉमर्स प्रो सीरीज. कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 दो पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था. आज हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो पार्ट्स भी नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत कम दिया है हमारे सीबीएसई बोर्ड ने. तो हम इसको वन शॉट में ही खत्म करेंगे, बहुत जल्दी से आसानी से हो जाएगा. तो आज दो पार्ट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पार्ट में आपका बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर भी हो जाएगा. कल और परसों हम लोग इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे और फिर मंडे ऑनवर्ड्स हमारा अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स वही अल्टरनेटिव चलता रहेगा. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, जाके अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शंस में, वीडियो कर देना लाइक और चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं हम चैप्टर के नाम के साथ. देखो, मैं हमेशा से बिलीवर हूं इस चीज का कि नाम में सब कुछ छुपा होता है. अब यहां क्या लिखा है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, व्यापार करने के एमर्जिंग मोड्स. एमर्जिंग का मतलब नए नए मोड्स, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन, इसी तरीके से लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. आज हम घर बैठ के फूड ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठ के कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं. तो बिजनेस चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ साथ. तो ऐसे मोड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. तो देखो क्या है, ई बिजनेस सबसे पहले आता है. ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सिंपल भाषा में इंटरनेट के थ्रू. तो ई बिजनेस मींस कंडक्टिंग इंडस्ट्री ट्रेड एंड बिजनेस यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स, दैट इज द इंटरनेट. तो जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी बिजनेस कंडक्ट करते हो उसको हम लोग बोल देते हैं ई बिजनेस. ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, तो हमारे पास ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाली चीज है. तो यहाँ पे बच्चों देखो, कॉमर्स की जब बात होती है ना, तो आपने ये पहले भी टॉपिक पढ़ा, इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा. तो कॉमर्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया बस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, राइट. तो हम क्या बोलते हैं, देखो ई कॉमर्स कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर, यानी बाइंग और सेलिंग हो रही है बस इंटरनेट पे, बस इतना ही हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स. ई बिजनेस क्या है, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, मार्केटिंग होती है, सेल्स हो रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज हो रही है, रिटर्न रिफंड हो रहे हैं, मल्टीपल चीजें करनी पड़ती हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट की सेल हो रही है, फिर रिव्यूज हो रहे हैं, वेबसाइट बन रही है, मल्टीपल. तो इस तरीके की चीजें सब हम ई बिजनेस में कंसिडर करते हैं. तो ई कॉमर्स एक थोड़ा छोटा टर्म है, ई बिजनेस एक बड़ा टर्म है. तो यहां पे क्या आएगा, देखो ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शंस, जैसे प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, राइट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, अकाउंटिंग फाइनेंस हो रहा है उस बिजनेस से रिलेटेड इंटरनेट के थ्रू. तो ये सारी चीजें ई बिजनेस में आ जाती है. तो ई बिजनेस इज मच मोर देन बाइंग एंड सेलिंग. तो ई बिजनेस ध्यान रखना एक बड़ा टर्म है, वाइड टर्म है, और ई कॉमर्स कंपैरेटिवली एक छोटा टर्म है, ठीक है जी. स्कोप ऑफ ई बिजनेस, अब स्कोप की अगर हम बात करते हैं इसका मतलब यह है कि कहां कहां तक फैला है. अभी हमने पढ़ा कि ई बिजनेस एक कंपैरेटिवली बड़ा टर्म है, तो भैया कहीं ना कहीं तक तो फैला होगा, कहीं ना कहीं तक तो स्प्रेड हुआ होगा. तो कहां तक स्प्रेड हुआ है, तो जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम बोलते हैं काफी वास्ट है. हर तरीके की बिजनेस फंक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कुछ भी हो, वो सब आजकल इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. तो स्कोप का इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो. मेनली स्कोप के अंदर हमें जो लिखनी है चीजें वो यहां से आ रही है. सबसे पहला आ रहा है B2B. तो इसके अंदर क्या क्या है, B2B, B2C, C2C और Intra-B. ये चार टर्म्स इसके अंदर बच्चों हमें पढ़नी है. तो सबसे पहले अगर मैं B2B की बात करूं तो B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस. B2B का क्या मतलब है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के साथ. तो यानी यहां पे जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उससे कोई होलसेलर सामान खरीद रहा है ओवर द इंटरनेट. तो दोनों पार्टीज बायर एज वेल एज सेलर बिजनेसेस हो गए, दोनों अपना अपना व्यापार कर रहे हैं. तो B2B में हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर बिजनेसेस, राइट. तो यहां क्या है, हियर बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस फर्म्स.
इसीलिए इसका नाम क्या है, B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज और डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर्स अ बिजनेस टू इंटरैक्ट विद नंबर ऑफ अदर बिजनेसेस. भाई सीधी सीधी सी बात है, अगर मुझे कुछ सामान बेचना है तो या तो मैं खुद बना लूं, खुद नहीं बना सकता तो कोई ना कोई तो बना रहा है, उससे खरीद के लाऊंगा. तो आपको लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ता है. तो जहां पे दो बिजनेसेस ओवर द इंटरनेट आपस में इंटरैक्ट करके कुछ सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, उसको हम B2B बोलते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज B2C. बहुत सिंपल, B2C क्या है हमारा, बिजनेस टू कस्टमर. जितनी भी चीजें आप देखते हो जहां पे एक तरफ कस्टमर है जो डायरेक्ट कंज्यूमर है और एक तरफ बिजनेस है जो सामान बेच रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, B2C. B2C बिजनेस टू कस्टमर हैव बिजनेस फर्म्स एट वन एंड एंड इट्स कस्टमर ऑन द अदर एंड. ये बेसिक है, जितना भी सामान आप मंगा रहे हो ऑनलाइन, जहां पे एक तरफ इंटरनेट के दूसरी तरफ आपका डायरेक्ट सेलर है, बिजनेसमैन है, एक तरफ आप कंज्यूमर हो, तो जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इस तरीके की हो रही है सब B2C में आती है. क्या क्या है B2C? देयरफॉर एंटेल्स अ वाइड गैमट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज, प्रमोशंस, इवन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये सब B2C में आ जाता है. इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास इंट्राबी. इंट्राबी का क्या मतलब होता है? इंट्राबी बच्चों नॉर्मली ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में चलता है, जहां पे बिजनेस हो रहा है एक कंपनी के अंदर अंदर ही. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, कोई बैटरी की कंपनी है जो बैटरीज बनाती है, कोई भी ले सकते हो, ल्यूमिनस ले लो, एमरॉन ले लो, एक्साइड ले लो, बड़ी बड़ी बैटरीज हैं. ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा है, इनकी ना ब्रांचेज होती हैं कि भैया ये नॉर्थ डिवीजन है, ये वेस्ट डिवीजन है, ये ईस्ट डिवीजन है, ये साउथ डिवीजन है. अब हो क्या रहा है, सपोज नॉर्थ में कोई शॉर्टेज पड़ रही है, साउथ के पास एक्स्ट्रा सामान है, तो नॉर्थ वाले ने साउथ वाले से सामान मंगा लिया, तो बताओ क्या दोनों तरफ विद इन द सेम कंपनी, विद इन एक्साइड, विद इन एमरॉन, विद इन ल्यूमिनस, व्हाटएवर, एक कंपनी के अंदर अंदर उनकी ब्रांचेस में ही बिजनेस हो रहा है. इसको बोलते हैं इंट्राबी. तो इंट्राबी में क्या होता है, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम अ गिवन बिजनेस ओनली, इसीलिए उसको हम इंट्राबी बोलते हैं. इट इज लार्जली ड्यू टू द यूज ऑफ इंट्राबी कॉमर्स दैट टुडे इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द फर्म्स टू गो इन फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग. अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर किसी ब्रांच में माल कम है तो दूसरी ब्रांच से मंगा लो, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंट्राबी. ठीक है, तो B2B हो गया, B2C हो गया, इंट्राबी हो गया. चौथा कौन सा होता है, C2C. सर अब C2C क्या है? C2C है बच्चों कस्टमर टू कस्टमर. C2C क्या है? कस्टमर टू कस्टमर, दोनों तरफ कस्टमर ही हैं. लाइक मैं कंज्यूमर हूं, मेरा सामान कुछ पुराना हो गया था, दिवाली की सफाई करी, पुराना सामान निकला, कोई सेलफोन निकल आया, कोई रेफ्रिजरेटर है, मैंने उसको जाके किसी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया जहां पे पुराना सामान बिक सकता है, तो एक कस्टमर ही सेलर बन गया, वहीं सामने से खरीदने वाला भी कस्टमर है, तो दोनों तरफ कंज्यूमर कंज्यूमर है. इसको बोलते हैं C2C. Here the business originates from the consumer and the ultimate destination is also consumer. इसीलिए इसका नाम क्या है, C2C. This type of commerce is the best suited for dealing in goods for those in which there is no established market mechanism. अच्छा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अब मैं देखता हूँ C2C के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आप देखते हो जिसमें एक कस्टमर ही सामान बेच रहा है और एक कस्टमर ही खरीद रहा है. कमेंट्स में तीन वेबसाइट बताना, चलो तीन नहीं तो दो तो बताना, जो आपको लगती हैं इंटरनेट पे जहां पे एक कस्टमर ही सामान बेच रहा है, कस्टमर ही खरीद रहा है. ठीक है, चलो जी अब आते हैं बच्चों ई बिजनेस से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, या जब से बिजनेस ऑनलाइन आया है उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. सबसे पहला लिखा हुआ है स्पीड. क्या हाई स्पीड है? क्विकली आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास सामान आ जाएगा. हाँ उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आजकल तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. क्विक डिलीवरीज हो रही है, विद इन 24 ऑर्डर डिलीवर्स हो रहे हैं. बट हाई स्पीड है या नहीं है? हाई स्पीड है. मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट अ क्लिक ऑफ अ माउस. फटाफट हो जाता है, कन्वीनियंट है आपके लिए. कन्वीनियंट क्यों है? 24/7 बाजार तो रात को 8-9 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन तो 24/7 खुला है, तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट है, ईजी है. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. फॉर्म करना आसान होता है ऑनलाइन बिजनेस. आजकल लोग इंस्टाग्राम और इस तरीके के पेजेस पे ही बिजनेस बना लेते हैं, तो फॉर्म करना आसान होता है, उसके साथ साथ काफी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है. दुकान लो, माल भरो, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए. इसके अंदर बहुत लो इन्वेस्टमेंट में बहुत ईजीली सामान बिजनेस बन जाता है. ग्लोबल रीच. अब देखो एक लोकल बिजनेस अपने अपने एरिया में होता है, ये ग्लोबली आप पहुंच सकते हो. आप ऐसी जगह भी कस्टमर ढूंढ सकते हो जहां आप ऑफलाइन कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, तो ग्लोबल रीच है. आपके पास बड़ा मार्केट है, आपके पास ज्यादा मार्जिन कमाने का स्कोप है. उसके साथ मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी.
आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, डिजिटल बिल भेज दिए जाते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, तो हम पेपर बचा रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ पेपर, तो हम पेपरलेस सोसाइटी की टवर्ड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बेनिफिट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। नेक्स्ट इज, क्या डिफरेंस होता है सर ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में? तो देखो बच्चों, इसके अंदर ना आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स याद रख सकते हो, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स याद रख सकते हो, क्योंकि 6 नंबर में आया तो 6 लिख देना बहुत है। सबसे पहले, बनाना कौन सा आसान है? ई बिजनेस आसान है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेलिटी, स्पेस, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस इसका होता है, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। लोकेशनल रिक्वायरमेंट, इसमें एक अच्छी लोकेशन चाहिए, इसके अंदर कोई लोकेशन की जरूरत नहीं है। सेटिंग अप की कॉस्ट, इसमें काफ़ी खर्चा आता है सेटअप करने में, इसमें खर्चा कम है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस चलाने में खर्चा, इसके अंदर ज़्यादा आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोक्योरमेंट की, स्टोरेज की, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, इसमें कंपैरेटिवली कम लगता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है ना। उसके बाद कॉन्टैक्ट कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है इंटरमीडियरीज के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लायर है भैया, बीच में बहुत सारे लोग हैं जिसने बनाया, पता नहीं कौन है, बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट्स हैं, तो बनाने वाले का और यूज़ करने वाले का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम होता है। इसके अंदर जो बना रहा है डायरेक्टली ऑनलाइन बेच रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सही है। उसके बाद देखो, और भी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। रिस्पॉन्स टाइम कैसा होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप कोई भी 6 पॉइंट्स मैक्सिमम याद रख सकते हो और आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। एनी 6 जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आप कर सकते हो। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए, लेकिन आप शुरू के 6 याद रख लो, सिंपल, इजी टू लर्न, और आपके लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। डन हो गया बच्चों? तो ये था हमारे पास एक चैप्टर जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सर इतना सही था? यस, आप सिलेबस चेक करो, मैं एज पर सिलेबस सारी वीडियोस बनाता हूँ, तो इतना ही हमें CBSE ने पढ़ने के लिए बोला है, इतना ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के। तो अब अगली क्लास में, कल हम लोग इकोनॉमिक्स पे डिस्कशंस करेंगे, बिजनेस स्टडीज 5 चैप्टर्स हो गए हैं आपके, एक आधा चैप्टर और बचा, हाफ ईयरली तक का काम समाप्त है हमारा, है ना। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स खत्म करें, इस हफ्ते माइक्रो खत्म करते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करनी है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही कंप्लीट करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।